सोशल डिलेमा, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्री इतनी कमाल की है। नेटफ्लिक्स पे 9 सितंबर को डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी और इसके बारे में आपको ऐसी चौंकाने वाली बातें बताना चाहता हूँ। और आप जो सोशल मीडिया यूज करते हैं वो कितना पावरफुल या कितना खतरनाक है, आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं लेकिन सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करता है, ये सब चीजें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, वो कौन सा आखिरी दिन था जब 24 घंटे तक आप मोबाइल से दूर रहे थे? कितने देर आप एक दिन में सोशल मीडिया यूज करते हैं? इंस्टाग्राम पर कितना देर रहते हैं? ट्विटर पर कितना देर रहते हैं? फेसबुक पर कितने देर रहते हैं? ये सब सवाल अगर आपसे मैं पूछूं और तो आपको इसके पास आपका जवाब यही होगा, भाई 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। अगर आप आधे से 1 घंटे से ज्यादा कोई भी ऐप पर रहते हैं तो आप उसके एडिक्टेड हो चुके हो, एडिक्शन है ये। और आपने कभी ये इमेजिन किया, आपने कभी कभी इंटरनेट ऑन किया और थोड़ी देर में लगता है अरे आधा घंटा कैसे बीत गया, अरे 1 घंटा कैसे बीत गया, अभी तो मैंने ऑन किया। तो वो आपको पता नहीं, लेकिन आप एक प्रोडक्ट हो और आपको सोशल मीडिया कंट्रोल करता है। चलिए मैं आपको एक चीता जाकर प्रूफ बताता हूँ, वही इस डॉक्यूमेंट्री में दिया गया है। तो सोशल डिलेमा में फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, रेडिट, इन सबके जो फॉर्मर एम्प्लॉयज है, पहले के जो लोग काम करने वाले लोग, उन्होंने बताया कि कैसे सोशल मीडिया पिछले 10 सालों से लोगों को मार रहा है, मरने का कारण बढ़ रहा है। चलिए आपको सबसे पहली बात बताता हूँ, पिछले 8 से 10 सालों में यूएसए में 14 साल से 14 साल की उम्र के जो बच्ची लोग होते हैं उसमें 70% से 80% इंक्रीज आया है डेथ में, सुसाइड केसेस में। और 15 साल से 19 साल के बीच में जो लड़कियां हैं या लड़के हैं उनमें करीबन 70% पर इंक्रीज आया है। स्पेशली सबसे ज्यादा खतरा 10 से 14 साल के बच्चों में है जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। उनको नहीं पता कि माँ बाप को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो डिप्रेस्ड, लोनलीनेस और इस तरह के शिकार हो रहे हैं। अगर आप अपने घर में भी अगर देखोगे, आपके बच्चे लोग मोबाइल पे रहते हैं और कोरोना वायरस का ही माहौल है, 3-3, 4-4 महीने हो गए, 6-6 महीने हो गए, लेकिन आपकी फैमिली ने कभी शांति से खाना खाया, फोन को साइड में रखकर नहीं खाया होगा। आपकी बच्ची के हाथ में फोन रहेगा या आपके बेटे के हाथ में फोन रहेगा, आपके दादाजी तक के हाथ में रहेगा, कोई फेसबुक पे लगा पड़ा रहेगा घंटों घंटों, कोई इधर लगा पड़ेगा, कोई उधर लगा पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज और सबसे चौंकाने चीज वाली बात बताओ, ये जो एप्स आए थे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब इसलिए आए थे कि हम चाहते हैं लोगों से लोगों को जोड़े, हम चाहते हैं दुनिया एक फ्रेंडली दुनिया हो, कोई दुनिया का दूसरे देश में कोई रहता है, कोई दूसरे देश में रहता है, वो एक दूसरे से बात कर सके, कनेक्ट हो सके, दोस्त बन सके। लेकिन मेरे पास खुद 1,500 के ऊपर फैंस है, 1,500 तो नहीं हो, शायद 1,000 के ऊपर फैंस है, जिसमें से मैं एक से भी बात नहीं करता हूँ फेसबुक पर। आप कितने लोगों से बात करते हैं फेसबुक पर जिसे आप फ्रेंड्स बना चुके हैं? आप कहोगे कि नहीं। तो जब हम फ्रेंड्स के लिए ये फेसबुक यूज हुआ है, जब हमारे पास दोस्ती नहीं है उस ऐप पर, तो क्या मतलब है? और फेसबुक किस तरह से डेंजरस है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी कभी देखा होगा फेसबुक पे कोई वीडियो देखते हो जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है, आपने वो वीडियो शायद बीच में छोड़ दिया, कुछ भी किया, तो आपको उसी इंसान से जुड़ा हुआ या उसी तरह का वीडियो बार बार क्यों दिखाई देता है? ये कोई तो पीछे लॉजिक लगा रहे ना, यानी कि आपके अच्छे से अच्छे फोटो से लेकर बुरे से बुरे फोटो, आपके नॉर्मल फोटो से लेकर आपके न्यूड फोटो जो आप इंस्टाग्राम पर, ईमेल पे या कहीं पे भी अपलोड करते हैं, वो हर एक की जानकारी रखता है। इंस्टाग्राम पे आप एक फोटो कितना देर तक देखते हो या कौन सा फोटो देखते हैं, किस तरह की न्यूज पढ़ते हो, वो हर चीज की A to Z जानकारी गूगल का या बाकी जो प्लेटफॉर्म है उसका AI इंटेलिजेंस, एक अल्गोरिथम ऐसा सबने सेट किया, सर्वर्स है फेसबुक के पास, गूगल के पास, सबके पास ऐसा भर भर के सर्वर्स है, उसमें डेटा सेव होता है। इसलिए कभी आपने सोचा है जो आप देखते उसी की तरह रिकमेंडेड वीडियोस आपको आते हैं, उसी की तरह रिकमेंडेड पोस्ट आते हैं। आप अगर ये सोचोगे कि मुझे घर खरीदना है तो उसी से जुड़े हुए कोई भी वेबसाइट आप खोलो तो उसी के एड्स आएंगे। क्यों? यानी कि आपको सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहा है। आपको याद है वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे पेज है, फेसबुक के पेज या नॉर्मल पोस्ट पे भी लाइक डिसलाइक का बटन है, इमोजीज बना, वो क्यों है? वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए है। इंस्टाग्राम पे इतने सारे फिल्टर्स क्यों है, अलग अलग पोस्ट बनाते हुए लोग? आपको पता है एक 14-15 साल के बच्चे पे क्या बीतती? सपोज एक लड़की ने पोस्ट डाला कि लुक पाउट करके कि आई एम लुकिंग क्यूट और नॉट, किसने बोल देते कान बड़े है, किसने बोल देते नाक बड़ी है, तो ये जो बच्चे इनको समझ नहीं होती, ये यही जिंदगी भर खुद को कोसते थे कि क्या सच में मेरी नाक बड़ी है या कान बड़े, क्या मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि किसी ने गाली दे दिया उसको, भद दिए तो बकवास ये है। तो सोशल मीडिया पे कितना आपका कंट्रोल है ये मैं नहीं जानता, लेकिन सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करे मैं 110% जानता हूँ। आपके फोन कॉल रिकॉर्ड से लेकर हर चीज की जानकारी सोशल मीडिया के पास। आपको लगता है ये तो इनक्रिप्टेड है तो किसी को पता नहीं चलेगा, अबे सब सब सबका डाटा रहता है, चाहे व्हाट्सअप हो या जो भी हो। यूएसए का इलेक्शन जो अभी हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीता था,
उसमें सोशल मीडिया का जो डेटा है वो खरीदा गया फेसबुक से, और फेसबुक पे कैसे डाटा कलेक्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक पे जो जैसा बनता है उसको उसी तरह की न्यूज दिखाई जाती है। सपोज यूएसए के जैसे डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जो पार्टी थी, जो अगेंस्ट पार्टी थी, फेसबुक ने उसके खिलाफ नेगेटिव न्यूज अपडेट करना चालू किया और अच्छी न्यूज अपडेट करना चालू किया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। या ऐसे कई से प्लेटफॉर्म ने यही किया है और यही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब आई यही सेम चीज अप्लाई हुआ है। एक जगह अच्छे दिन आने वाले है कि प्रमोशन किए गए, एक जगह राहुल गांधी पप्पू है ये प्रमोट किया गया। तो आप जो इन्फॉर्मेशन जिस कंट्री से चेक करते हैं जरूरी नहीं कि आपको सेम इन्फॉर्मेशन चेक है। सपोज मैंने सर्च किया कि क्लाइमेट चेंज क्या ये सही है, तो मेरे को कुछ अलग न्यूज आएगी, और आपने चेंज किया, आपने चेक किया कि क्लाइमेट चेंज क्या सही है, तो आपको कुछ अलग तरह की न्यूज आएगी। हम दोनों के जो व्यूज पॉइंट होंगे वो बहुत अलग रहेंगे, जो तो हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो फाइट होगा। अभी जैसे कंगना और शिवसेना का केस ले लो, कंगना को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे, कुछ लोग शिवसेना को सपोर्ट कर रहे, इन दोनों के जब पब्लिक बीच में अगर कहीं मिल गए एक दूसरे आपस में, ये दोनों ग्रुप्स मिल गए शिवसेना के सपोर्टर और कंगना के सपोर्टर, ये लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ये लोग फाइट करेंगे। तो ये कहना सोशल डिलेमा में कि आने वाले कुछ सालों में सिविल वॉर होने का खतरा है, और ऐसे में मॉब लिंचिंग ज्यादा से ज्यादा, जो अब सुसाइड होते हैं 14-15 साल का भी बच्चा या बच्ची सुसाइड करता है, हमें अक्ल नहीं थी 20 साल तक कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, तो ये क्यों हो रही है। तो कुल मिलाकर बात यह कि सोशल मीडिया पे हमें यूज किया जा रहा है। चलो एक खतरनाक आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपने कभी 5 मिनट का कोई वीडियो देखा है यूट्यूब पे नहीं, चलो इंस्टा इस पे फेसबुक पे, आप 5 मिनट की वीडियो में आपको 1 मिनट का ऐड देता है कि नहीं, दो बीच में ऐड, वो ऐड क्या है, वो रेवेन्यू है। हर ऐप चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वो सोशल मीडिया पे बताए, ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन मिले, फेसबुक भी ग्रोथ चाहता है, हर कोई ग्रोथ। तो उनको कोई मतलब नहीं कि आपको क्या फील होता है, आपको क्या बुरा लगता है या सही लगता है। आपको याद है फेसबुक पे ये है कि तुम्हारे 2 साल पुराने फोटोज, आपको मेमोरी याद होगी। अरे जब इंसान का सपोज किसी का ब्रेकअप हो गया या शादी टूट गई है, उसको वापस से फेसबुक रिकमेंड करेगा 2 साल पुराने वीडियोस, तो ये तो गलत ही होगा ना। तो हमको, हमें इमोशनली हम डाउन होंगे, फिर हम बाकी और वीडियोस देखेंगे और फोटोज देखेंगे अपने पुराने पार्टनर के साथ जो भी है, तो हम कहीं ना कहीं इंटरेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएंगे। तो कुल मिला के ये है कि सोशल डिलेमा में ये बताया गया कि हमारा कैसे बिहेवियर चेंज किया जाता है, बड़े बड़े ऐप्स हमें किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, और ये बताया गया ट्विटर पे 6 गुना ज्यादा फेक न्यूज ज्यादा फैलती है, व्हाट्सएप पे भी कई सारी फेक न्यूज फैली थी कोरोना वायरस के समय पे, जिसपे ये बताया गया गौमूत्र से कोरोना वायरस ठीक होता है, जिससे बताया गया ड्रग से, ये ड्रग खाने से, कोकेन खाने से ऐसे कई सारे अफवाह, क्या सच है क्या झूठ है किसी को नहीं पता, और गूगल या कोई प्लेटफॉर्म सच बताने नहीं बैठा है, समझ रहे हो। हर कोई अपनी अपनी तरह से तथ्य बता रहा है, हर कोई अपनी अपनी तरह से घुमा रहा है। इसलिए अगर आपको सोशल डिलेमा में ये बताया गया, अगर बचना है सोशल मीडिया से, अपने बच्चों को बचाना है, तो सोने से पहले 1/2 घंटे पहले उनका मोबाइल ले लो, 10वीं तक जब तक आपका बच्चा ना पहुंचे उनको मोबाइल कभी दो ही मत, और अगर मोबाइल उसके बाद भी दे रहे तो उसका टाइम मैनेजमेंट रखो कितना देर उसको आप दे रहे, नहीं तो वो बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, वो बच्चा अंदर ही अंदर लोनली हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो कुल मिला के मैं इतना बड़ा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि सोशल डिलेमा नाम की ये फिल्म, ये डॉक्यूमेंट्री आप जरूर देखें, नेटफ्लिक्स पर 9 सितंबर को रिलीज हुई है। रिकमेंड टू ईच एंड एवरी फैमिली, एवरी फ्रेंड्स, जो आप में 200 सभी लोग देखें, इससे आपको जो बहुत लोग सीखने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट्री में साफ दिखाया है कि सोशल मीडिया हमें यूज करे बिना हमें पता लगे, हमें अंदर से अंदर डिप्रेस करी, खोखला कर रही है। आजकल सुसाइड्स क्यों बढ़ रहे हैं, यही सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया पे जो घटिया चीजें चालू है, ये फेक न्यूज चालू है इसी के बल पे, और ये सब चीजें बताया गया है और बहुत ही खतरनाक है। यानी कुल मिला के ये बताया गया कि मोबाइल की टेक्नोलॉजी आपको से बर्बाद कर रही है, सुधार से सिर्फ आपको इंसान सकते हैं, और इंसानों से हम दूर जाते जा रहे हैं, हम अपने कल्चर भूल चुके हैं, हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, हम अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं। और आप अगर खुद ये जानना चाहोगे कि आपको एडिक्शन है कि नहीं सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, एक काम करिए, फोन स्विच ऑफ करके रख सकते हैं 24 घंटा, कुछ सोशल मीडिया ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनसे आप कितना दूर रह सकते हैं, आप थोड़ी दूर रहोगे ना, यानी 2-3 घंटा दूर, उसके बाद आपको तड़प होने लगी कि अरे मैं देखता हूँ किसने क्या पोस्ट किया और किसने मुझे क्या भेजा और किसने मुझे कहाँ टैग किया होगा, और ये जो नोटिफिकेशन आते हैं, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन ऑफ करिए आपके मोबाइल का, ये आपको सोने नहीं देंगे, जिंदगी आपके हराम करके रख देंगे। चलिए फिलहाल इतना ही, और ये बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, इसको मैं कम से कम जो रेटिंग है 90% दूंगा, यानी कि माइंड ब्लोइंग। चलिए फिलहाल इतना ही, लव यू, बाय बाय।